भारत के प्रधानमंत्री और वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य रूप से मनाया गया। सुबह 9 बजे आयोजित हुए कार्यक्रम में सबसे पहले 73 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से पूजन की शुरुआत की। 73 कलश से बाबा का जलाभिषेक कर 73 कमल के पुष्प को बाबा को अर्पित किया गया। पूजन के पश्चात 73 किलो के बने एक लड्डू का प्रसाद चढ़ाया गया। 108 बेलपत्र चढ़ाकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे के साथ मंत्री अनिल राजभर, दयाशंकर मिश्र दयालु, रविंद्र जायसवाल, नीलकंठ तिवारी सहित सभी विधायक और जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की। इस पूजन के दौरान 101 बटुकों द्वारा स्वास्तिक वचन और मंगलाचरण किया गया। शंखनाद और डमरू दल के वादन से पूरा परिसर भक्तिमय हो गया था। पूजा के उपरांत पूर्व मंत्री श्री नीलकंठ तिवारी ने सभी ब्राह्मण और मंदिर के अध्यक्ष और ट्रस्टी पंडित चंद्रमौली उपाध्याय, पंडित दीपक मालवीय, ब्रजभूषण ओझा, वेंकट रमन सहित सभी ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित सभी पुजारी, अर्चक, बटुक शास्त्री व वैदिक ब्राह्मण का अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के उपरांत मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा द्वारा मंदिर में उपस्थित सभी दर्शनार्थियों को लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और प्रमुख कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्रा, विशेष कार्य अधिकारी उमेश कुमार सिंह सहित शहर के भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।